तो कैसे हैं आप लोग? हमारे पास एक 45 mm का थरिया, ये 45 mm के थरिया को हमें टर्न करना है। टर्न करके ये पाइप है एक 50 mm का, इसके अंदर का जो साइज है वो लगभग 40 mm, इसको इसमें डालना है। इस तरीके से ये पाइप के अंदर थरिया डालना है और इसको लगभग 12 इंच, इसको 12 इंच टर्न करना है। तो ये इसको हम नाप लेते हैं, ये हो गया हमारे 12 इंच, इसको 12.5 पर निशान लगाते हैं। इसमें पहले तो एक सेंटर मारना पड़ेगा, बिना सेंटर मारे तो बात बनेगी नहीं। पहले मार लेते हैं सेंटर, सेंटर मार के ही बात बनेगी, वरना बात नहीं बनने वाली। पहले एक सेंटर मार लेते हैं, सेंटर मार लेते हैं, ये रह गया हमारा सेंटर। हाँ नंद, क्या हुआ है? यही है दूसरी है? पाइप क्या ये नहीं आ रही है? वो कौन सी है भाई, मुझे बताओ फिर। ये लगा दी हमने 45 mm की सापट टर्न होने के लिए। अब लगभग इसको 12 इंच तक टर्न करना है, इसका साइज रखना है 41 mm। ये 41 mm का साइज पूरा कंप्लीट होने वाला है। और एक पाइप है हमारे पास 50 mm का, ये है 45 mm, इसके अंदर का डाया है 40 mm, 40 से थोड़ा ऊपर 41 mm, 41 mm का ये साइज करके इसके अंदर डालना है। फिर अंदर डाल के इसको वेल्डिंग मार देंगे, वेल्डिंग मार के ऊपर जो शटर है हमारा बड़ा, शटर पर लगा देंगे बढ़िया से। उसके बाद देखेंगे इसका शटर में मजबूती आती है या नहीं आती है। पैप तो 1 साल भी नहीं चलता, शटर बड़ा है, 1 साल भी पैप नहीं चलता, पैप कट जाता है, ग्रैविटी में कट जाता है, कट के टूट के गिर जाता है नीचे। तो इसलिए हमने ये फैसला किया है हम इसमें पैप की जगह सापट डालेंगे। बीच में पैप रहेगा, दोनों तरफ सापट, उस साइड में भी सापट, उस साइड में भी सापट, क्योंकि ये ब्रैकेट में चलेंगी, जब घूमेंगी तो ये कटेंगी भी ना। पैप क्या होता है, पैप में यहाँ निशान पड़ जाते हैं, निशान पड़ने के कारण ये पैप जो है कट जाता है, पर सापट रहेगी पूरी बर्तल। उसमें कितने भी निशान पड़ेंगे, कितने भी निशान पड़ेंगे, कटने में भी उसको लगभग 5 से 7 साल तो लगे जाएंगे, पर ये साल भर भी नहीं चलता, साल भर में ख़राब हो जाता है। उसके जरिए हम ये सापट डालेंगे, इसके बदले इसी पैप में सापट ठोकेंगे, बड़े पैप में आप पैप काट के बीच में पैप, दोनों तरफ सापट, सुराग मार के ब्रैकेटों में फिट कर देंगे। पर जो हमारा गियर वाला गियर घूमेगा ना, तो उसमें फिर ये पैप घूमेगा इस तरीके से, कटेगा नहीं, फिर ये पैप कट जाता है, सापट नहीं कटेगी। देखो लगा दिया है काम पर बाबू जी ने, हमें कह रहे हैं दोनों तरफ इसमें पैप में सापट लगाओ। चक्को भाई चक्को, चलो भाई गुलफाम बढ़ाओ। अभी ये हो गया पूरा कंप्लीट फिल्टर का हमारा, तो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हेडर आ रहा है इसको उठाने के लिए, हेडर आ रहा है उठाने के लिए, रख दिया इन्होंने ऊपर। ये हमारी फैक्ट्री का मेन गेट है, और इसका ये ऊपर का गियर का गियर पाइप, वो जो पाइप होता है गियर के अंदर, वो टूट गया है, उसको हमने बनाया अंदर। और ये हमारा फिटर है जो आज पूरा दिन बन रहा है, मेन गेट है हमारी कंपनी का, ये जगदम्बे एग्रो इंडस्ट्रीज। का जुगाड़ वो लेके आ रहा है ट्रैक्टर पे उधर।
ट्रैक्टर को लेकर आ रहा है। ये हमारी मिक्सर खड़ी है, मिक्सर मशीन, मक्का मशीन, हड़म्बा, वाटर टैंक, ट्राली ट्राली, मक्का मशीन, मिक्सर, हल, टिलर, ये आ गया भाई। ये आ गया भाई, ट्रैक्टर ले गए, हाइड्रा ट्रैक्टर वाला हाइड्रा। ये सब इसको भी हमने अपनी कंपनी के अंदर ही कंप्लीट किया है। अब हम इसको करने वाले हैं फिट। ये हमारा बाहर का शटर, ये इसका गियर साइड, चूल्हा काया करता इतने चूल्हा, एक काया करता झूला हैगा हैड्रा साडा। ये भाई झूला खाया, इधर शटर खराब हो गया था हमारा, शटर बनाने में लगे हैं। ये अपनी इंडस्ट्रीज है, जगदम्बे इंडस्ट्रीज, इधर सब माल लगा है, पाई खांदा झूला, शटर हो गया, बस एक बोल्ट रह गया, बोल्ट डालना, बोल्ट डाल के शटर का काम भी फाइनल हो गया। खा जा भाई खा जा, मज़ा आ रहा है। तू क्या क्या करता भाई, तेरे ऊपर तो बादल आ गया, तू कहता थल्ले आ जा।